हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एकदम बढ़िया नारियल की कुल्फ़ी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला ये कुल्फ़ी बहुत आसान तरीके से बनता है। सिर्फ एक नारियल से आज हम इसे बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मार्केट से भी बढ़िया कुल्फ़ी घर पर ही बना पाएंगे आप। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि कोई ज़रूरी टिप्स आप छोड़ ना दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक नारियल लेना है, इस तरह का कच्चा नारियल लेना है, मतलब जिसमें पानी रहता है वो वाला नारियल लेना है। ऊपर का इसका जो कवर होता है उसे निकाल लेंगे और तोड़ के इसका पानी निकाल के रख लेंगे। वो पानी को भी हम यूज करेंगे, इसलिए उसे अलग से रख लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है और इसका जो पीछे वाला ये जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है ना, उसका छिलका पतला वाला, इसे चाकू से इस तरह से निकाल लेंगे। हमें हमारा जो आइसक्रीम है ना वो एकदम वाइट और क्रीमी मतलब टेक्सचर वाला चाहिए, तो इसीलिए क्या करें, इसका जो पीछे वाला जो कवर है उसे ज़रूर निकाल दें ताकि जो आइसक्रीम बने वो एकदम स्मूथ बने और देखने में भी सफ़ेद सफ़ेद बने। बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से काट लेने पर ये बढ़िया सा ग्राइंड हो जाएगा, या आप चाहें तो कद्दूकस से कद्दू करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब जो नारियल का पानी निकला था ना इसमें से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस नारियल को हम पीस के एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, अगर पीसने में मुश्किल हो रही है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह का गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। और अगर ये ज़्यादा मतलब बड़े टुकड़े इसमें हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार इसे छान लीजिएगा ज़रूर। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में ले लेंगे 500 ml जितना दूध। ये फुल फैट मिल्क है, मतलब जिसमें वसा का मात्रा ज़्यादा होता है वो वाला दूध लेना है। और मैंने इसमें आधा कप मिश्री लिया है और 1 कप जितना ये है मिल्क पाउडर। मिश्री के बदले आप ना ले सकते हैं चीनी, चीनी के बदले मैंने मिश्री इसीलिए लिया है ताकि मिश्री थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा और जो मिश्री है ना वो ज़्यादा ठंडक देता है, मतलब चीनी के मुकाबले मिश्री में ठंडक देने की जो तासीर है वो अच्छी मात्रा में होती है। अब हम क्या करेंगे, इस दूध को पकाएंगे लगातार चलाते हुए। जब पहले पकाएं तो हाई फ्लेम पर इसे बॉईल कर लें। बॉईल करते हुए जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे ना, तब फ्लेम को स्लो करके इसे पकाना है, मतलब लो टू मीडियम पे रखना है ताकि जैसे नीचे से चिपके नहीं। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे पूरा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है और एक दो बार बीच बीच में इसे चला दीजिएगा ताकि इसके ऊपर मोटा सा पपड़ी ना जम पाए। देखिए ये ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे जो नारियल हम जिसमें पीस के रखे थे वो वाले मिक्सी जार में। इन सबको हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे, इसलिए एक साथ सबको मिला लेना है। अब इसको बढ़िया सा पीस के एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा मिक्सचर है। अगर फिर भी आपको डाउट है कि इसमें मोटे टुकड़े हैं तो एक बार फिर से छान लीजिएगा ज़रूर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे एक इस तरह के मोल्ड में डाल रही हूँ। मेरे पास कुल्फ़ी वाला मोल्ड नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास यह आइसक्रीम जो पॉप्सिकल होता है उसका मोल्ड है तो उसमें मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये भी मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना घर में छोटे ग्लास होगा, छोटा छोटा ग्लास आता है जिसमें चाय या कॉफ़ी पीते हैं, वो वाली ग्लास में भी आप सेट कर सकते हैं, या पेपर वाली ग्लास आता है ना उसमें भी सेट कर सकते हैं, या तो फिर आप कटोरी में भी सेट कर सकते हैं। एक एल्युमिनियम फॉयल से ना मैं इसे ढक रही हूँ ताकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्फ़ ना जमे। बर्फ़ जमने पर ना ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसे अच्छे से
ऐसे कवर कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा आइस ना जमे। अब ना क्या करेंगे, हम इसमें स्टिक लगाएंगे। कुल्फ़ी है तो कुल्फ़ी का स्टिक लगाना है, इसीलिए इसमें छोटा छोटा इस तरह से कट लगा देंगे। एकदम हल्का सा छोटा छोटा कट लगाने से क्या होगा, जो ये आइसक्रीम स्टिक है ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। देखिए, अगर ज़बरदस्ती हम डालने की कोशिश करेंगे आइसक्रीम स्टिक को, तो फिर क्या होता है ना, साइड से फिर ये पेपर फट जाता है, ये जो एल्युमिनियम फॉइल है, तो फिर वो होल से ज़्यादा बर्फ़ जमने लगता है। इसीलिए इस तरह से हल्का सा कट लगा के फिर ये स्टिक लगा दीजिए ताकि ये आराम से चले जाए। इसे 8 से 7 घंटे तक हम क्या करेंगे, फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर और बचा था तो मेरे पास इस तरह के 2 छोटे छोटे मटके थे, तो मैंने उसमें भी ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा काजू और पिस्ता का टुकड़ा मैंने डाल दिया है, और बाकी के जो मिक्सचर है उसे ऊपर से डाल देंगे। देखिए इस तरह से, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप डाल सकते हैं। इसे भी ऐसे छोटे छोटे एल्युमिनियम फॉइल से हम कवर कर लेंगे। देखिए ऐसे हो जाना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक इलास्टिक रबर लगा देंगे। दोस्तों इस तरह के जो मैंने ये बनाया था ना कुल्फ़ी, तो ये बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया कुल्फ़ी बन के घर पे ही तैयार हो गया था। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्रीमी क्रीमी हमारा कोकोनट कुल्फ़ी तैयार है। ये वाली कुल्फ़ी मोल्ड में जो हमने जमाया है, जो आइसक्रीम मोल्ड में, उसे भी चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका कवर निकाल लेंगे। इसे डीमोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है, इसे ना जो नॉर्मल वाला पानी आता है, एक बाउल में पानी भर के इसे थोड़ा सा डिप कर लीजिएगा, ताकि नीचे से ये हल्का सा लूज हो जाएगा तो ये निकल जाएगा आराम से। ज़बरदस्ती अगर आप इसे खींचेंगे, जो ये स्टिक है इसका कुल्फ़ी का, वो निकल जाएगा। इसीलिए इसे थोड़ा सा पानी में बस 1 से 2 मिनट के लिए डिप करके फिर निकाल दीजिए। देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी कुल्फ़ी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों। घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।